थाना उगहती जनपद बदायूं के कस्बा उगहती में रात्रि 2:30 बजे ड्यूटी के दौरान बदमाश का पीछा करते वक्त बदमाशों द्वारा होमगार्ड छत्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त शहीद होमगार्ड बदायूं पुलिस के परिवार का सदस्य था, जिसकी मृत्यु होने से पुलिस विभाग को काफी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। श्रीमान एसएसपी बदायूं श्री अशोक कुमार शर्मा महोदय व बदायूं पुलिस विभाग श्री छत्रपाल के परिवार के दुखों में सम्मिलित हैं। वो उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। महोदय द्वारा बदायूं पुलिस के आम सहमति से शहीद छत्रपाल के परिवार को बदायूं पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के एक दिन का वेतन करीब 20 लाख रुपए से अधिक की धनराशि देने की घोषणा की है। ये रात्रि में लगभग 2:30 बजे होमगार्ड उनका पीसी जो गश्त पर थे कस्बा गई थी में, उस समय पर वहाँ से दो लोग निकले, उनको संदिग्ध लगे, उन्होंने टोका, टोकने पर वो लोग भागना शुरू किए, फिर उनको पीछे पीछे भी चले, पीछे से दो बदमाश और आगे उनके साथ ही, उनमें से एक ने एक होमगार्ड गोली मार दी, उसके सीने में गोली लगी है। होमगार्ड को अस्पताल लेके आया, जिला अस्पताल लेके आएगा, वहाँ उसकी मृत्यु हुई है। इसमें कॉमिंग कराई गई है, घेराबंदी की गई थी, बदमाश पैदल थे जो जानकारी मिली अभी तक, उसमें दो को चिन्हित भी कर लिया गया, पास के गांव है वहीं के दो बदमाश थे, चिन्हित कर लिया गया है, भागे हुए, शीघ्र हम उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। इसमें पूरे सम्मान के साथ इसका संस्कार किया जाएगा और पुलिस जो कर्मचारी हैं वो अपना एक दिन का वेतन देने पर इसको सहमत होकर इसका वेतन एक दिन का देंगे इसको। सर, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये बदमाश? ये लोग एक नकबजनी करके आ रहे थे, उसका सामान मिल गया, नकबजनी का जो सामान लेकर आ रहे थे वो भी मिल गया है। उसमें एक प्रिंटर है और एक बैटरी है, ऐसे छोटा मोटा सामान है, इसको लेके आ गए थे। सर, कुल कितनी राशि दी जाएगी सर इनकी? ये पुलिस कर्मचारी को जो एक दिन का वेतन है उसमें से लगभग 20 लाख रुपया इनके परिवार को पुलिस वाले देंगे। इसमें ये हमारे परिवार के अंग थे, पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे, इनका पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा, इनके परिवार की पूरी मदद की जाएगी। 5 लाख